2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल विपक्षी एकता बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी एकता बनने से पहले ही बिखर गई है, क्योंकि विपक्षी दल एक अपने हितों को लेकर मजबूर हैं और अब एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक कांग्रेस के लिए अब अपने बुरे सपने की तरह हो गए हैं कि जैसे ही चुनाव किसी राज्य में आते हैं तो कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा डर भाजपा की जगह आम आदमी पार्टी से लगने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए उस शायर के शब्दों की तरह हो गई है कि हम तो सनम मरेंगे ही तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुजरात से गोवा और दिल्ली से पंजाब, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए काल बनती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब में सत्ता पाने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के क्रम में इसमें अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस बीच एवीपी ने सी वोटर सर्वे के साथ मिलकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल कराया है, जिसमें पोल में शामिल लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए थे। उनमें से एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा। चलिए जानते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया। सर्वे में शामिल 42% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, जबकि 39% ऐसे हैं जिन्हें ऐसा नहीं लगता दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस का नुकसान पहुंचा पाएगी। 19% लोगों ने अपना जवाब पता नहीं में दिया। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। सर्वे में 17,113 लोगों की राय ली गई। सर्वे 26 मई से 26 जून के बीच किया गया है। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में जीत हासिल करके एमपी में पहले ही अपनी एंट्री दर्ज करा चुकी है। 5 महीने में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल मध्य प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ऐलान किया है कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी के भी गठबंधन में शामिल होने की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी का यह ऐलान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। केजरीवाल की राजनीति इस देश की राजनीति के इतिहास की सबसे जटिल और उलझी हुई राजनीति मानी जाएगी। कई बार तो केजरीवाल साहब की जो आप पार्टी है उसके नेता भी समझ ही नहीं पाते होंगे कि हमें केंद्र के किस बात का समर्थन करना है और किस बात का नहीं। केजरीवाल सरकार को समझना होगा कि अगर देश की राजनीति में आपको कीर्तिमान रचना है तो आपको एक तरफ तटस्थ होना होगा, नहीं तो समय काल के साथ देश की राजनीति आपको भुला देगी। सीएम केजरीवाल की राजनीति पर अब एक नया बयान सामने आया है। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की हो रही है। ऐसा इसीलिए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ उनकी ठन गई है। कश्मीर के अनुच्छेद 370 की समाप्ति का समर्थन करने वाले केजरीवाल ने अब समान नागरिक संहिता पर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर आम आदमी पार्टी की राजनीति है क्या। वो ना तो केंद्र के साथ है और ना ही विपक्ष की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने आज इस मुद्दे पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जताकर सभी को हैरान कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव और पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बुधवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर हम सैद्धांतिक तौर पर सरकार का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। विपक्षी एकता के बीच आम आदमी पार्टी के स्टैंड ने हर किसी को हैरान कर दिया। लोग केजरीवाल की पार्टी के स्टैंड पर चर्चा कर रहे हैं। पटना की जिस बैठक में केजरीवाल कांग्रेस से केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ स्टैंड क्लियर करने की मांग कर रही थी, उसी बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर घेर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने धारा 370 हटाने पर आम आदमी पार्टी की सफाई मांगी। केजरीवाल केंद्र सरकार का विरोध भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी एक अलग पहचान स्थापित करते दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई राज्यों में धीरे धीरे उनकी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है। पहले दिल्ली में देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, इसके बाद पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया।
इसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ है और अब केजरीवाल वही कहानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में दोहराना चाहती है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता का कथित जमावड़ा हुआ, जिसके बाद शिमला समझौते की रणनीति बनी और कहा गया कि विपक्षी एकता को कैसे और व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसकी चर्चा अगली बैठक में होगी जो शिमला में प्रस्तावित है। लेकिन विपक्षी एकता दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर से लेकर दक्षिण तक विपक्ष अनेक हिस्सों में बंटा दिख रहा है। लोकसभा की जहां सबसे ज्यादा सीट आती है उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी है, जहां विपक्षी पार्टी ही अपने विस्तार की जुकत में लग गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में जुतब बेजार शुरू हो गया है। भारत राष्ट्र समिति के नेता KCR महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। सोमवार 26 जून को 600 गाड़ियों के काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचे थे। इस पर शिवसेना बरस पड़ी। KCR पर शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना में जमकर हमला बोला गया। उन्हें BJP की बी टीम बताते हुए कहा गया कि OBC के बाद हैदराबाद से एक और दल को महाराष्ट्र भेजा गया है। सामना में लिखा गया कि BRS चुनाव में उतरकर वोटों का बंटवारा करेगी, जिससे BJP को फायदा होगा, यही उनका काम है। कहा गया कि KCR ये सब कुछ क्या अपनी बेटी कविता को ईडी की रडार से बचाने के लिए कर रहे हैं। सामना में लिखा गया कि KCR की बेटी कविता को दिल्ली में शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कविता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और तेलंगाना में कुछ शराब ठेकेदारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने KCR की बेटी के खिलाफ जांच शुरू की, जिसके बाद KCR ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी दबाव की राजनीति कर रही है, लेकिन हम उनके सामने नहीं झुकेंगे, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन वो जो राजनीतिक कदम उठा रहे हैं वो ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से BJP को फायदा पहुंचाएंगे। सामना में लिखा गया है कि ये पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी या फिर वोट विभाजन करके BJP की राजनीतिक मदद करेगी। ये चाल स्थानीय लोगों को समय रहते पहचान लेनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BJP के लिए वोट बंटवारे की कालीन बिछाने का काम करेगी। सच्चाई तो यह है कि तेलंगाना में KCR की पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अगर वो इस बात का बदला महाराष्ट्र में ले रहे हैं तो वो राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले सभी दल अपने गणित को बैठाने में लगे हैं। विपक्षी एकता से लेकर भाजपा तक सभी 2024 को जीतने में लगे हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए 2024 महत्वाकांक्षाओं का वो पड़ाव है जो राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। विपक्ष को उम्मीद है कि विपक्षी एकता के सहारे वो संसद तक का सफर तय करना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी वापस से 307 जीत का हैट्रिक लगाना चाहती है। विपक्ष को लग रहा है कि वो 2024 में भाजपा का सियासी किला ढहाने में कामयाब रहेगा, लेकिन भाजपा राजनीति के खेल की माहिर खिलाड़ी है। पिछले चुनावों को देखें तो सारे के सारे चुनाव भाजपा की रणनीति के इर्द गिर्द ही हुए हैं। इस बार भी BJP ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र विपक्ष की ओर छोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दोनों ही परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं। उससे पहले MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस अभी बैठक ही कर रही है, लेकिन BJP काफी पहले ही मिशन मोड में दिख रही है। जी हाँ, उसने एक नहीं तरकश में कई ब्रह्मास्त्र रखे हैं। खास बात यह है कि 2014 की तुलना में 2024 की परिस्थितियां अलग होने वाली हैं। भाजपा अपना जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। उस समय मुसलमानों को लेकर आम धारणा ऐसी थी कि वो BJP की वोट ही नहीं देंगे। हालांकि इस बार BJP की तैयारी और रणनीति कुछ इस तरह की है कि 85% मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, PM मोदी ने जिन पसमांदा मुसलमानों के हितों की बात की है उनकी तादाद 80-85% है। इसके बाद से ही OBC अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बेचैनी होना लाजमी है। इसे एक एक कर समझना होगा। BJP का अल्पसंख्यक मोर्चा बिना ज्यादा शोर किए देश भर में अलग ही अभियान में जुटा है। जी हाँ, मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। ये मित्र ऐसे होंगे जो BJP से जुड़े ही नहीं होंगे और ना ही जल्द BJP की सदस्यता लेने के इच्छुक हैं। आपको शायद पता हो, अल्पसंख्यक मोर्चे ने गुजरात और UP विधानसभा चुनाव के समय से ही मोदी मित्र बनाना शुरू कर दिया था। BJP का अल्पसंख्यक मोर्चा बिना ज्यादा शोर किए देश भर में अलग ही अभियान में जुटा हुआ है। मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं और ये मित्र ऐसे होंगे जो BJP से जुड़े नहीं हैं। 2014 के चुनाव में BJP ने कई प्रयोग किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था बूथों पर फोकस करना। उनका नतीजा ये हुआ कि पार्टी का संगठन तो मजबूत हुआ ही, साथ में वोट मिलना भी पक्का हो गया। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने तो बूथ पर सारा फोकस केंद्रित कर दिया गया। ये शाह का माइक्रो मैनेजमेंट था। देश भर में पसमांदा मुसलमानों की आबादी 80% से ज्यादा है। पहले भाजपा मुसलमानों से जुड़े सवालों के ही जवाब देती थी, लेकिन अब खुद मुद्दे सामने रख रही है।
पीएम मोदी ने भोपाल में कहा कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए कर रहा है। देश में कई नेता हुए जिसकी विवेचना भविष्य ने की है और इतिहास में उनका व्यक्तित्व उसी तरह दर्ज होगा। आज की समकालीन राजनीति पर नजर डाली जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनको देश के लिए किए गए अपने अपने योगदान के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं की भी विवेचना हुई और इतिहास में भी छपा, लेकिन आज के दौर में कांग्रेस के नेताओं पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि आज कांग्रेस की सारी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहती है। तो अगर राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी का अवलोकन करेगा तो क्या ऐसे नेता के रूप में जानेगा कि जब देश में राष्ट्रव्यापी समस्या थी तो वो सरकार के सहयोग और उस मुद्दे को खत्म करने से अधिक अपनी एजेंडा राजनीति को पूरा करने में लगे थे? क्योंकि राहुल गांधी के एजेंडे को जो बात समझ आती हो उसको हवा देने पहुंच जाते हैं। क्या है खबर बताते हैं आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार 29 जून को हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने पहुंच गए। इम्फाल पहुंचने के बाद वो राहत शिविरों के दौरा करने के लिए चुराचांदपुर की तरफ जा रहे थे। इतने में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने पुलिस लगाकर राहुल को रास्ते में रोक दिया। हालांकि बीजेपी ने भी इन आरोपों का पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी सुबह 11 बजे इम्फाल में उतरे और उसके पहले भी उनको और उनके दफ्तर से अपील भी की गई कि आप यहां की स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए हेलीकॉप्टर से आगे जाएं, लेकिन वो नहीं माने। उनको ये भी बताया गया कि कई लोग उनके खिलाफ आगे नारेबाजी कर रहे हैं। कई संगठनों ने भी उनके दौरे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। संबित पात्रा ने कहा कि इन सबके बावजूद राहुल गांधी नहीं माने और वो जिद करके आगे बढ़ गए। इसी को लेकर राहुल का विरोध हो गया। लोगों ने उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतनी गलतियां पहले क्यों की थी, आज तक वो मसले हल क्यों नहीं हो सके। जिस जिद के साथ वो आए वो ठीक नहीं है। संवेदनशील जगहों पर जागरूकता के साथ जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमित शाह मणिपुर में हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे तो वहां 3 स्थानों पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी गई थी। इसमें चुराचांदपुर भी शामिल था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा के बयानों का पलटवार किया। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी वहां लोगों को ढांढस बांधाने गए थे। संबित पात्रा से हमें नसीहत नहीं चाहिए। वो इंचार्ज है मणिपुर के, उनकी और उनकी पार्टी की क्या जवाबदेही है। जिस भी माध्यम से जाए राहुल गांधी जाएंगे जरूर। जब मणिपुर जल रहा है तब बीजेपी इसे विरासत का मुद्दा बता रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।